नमस्कार, जनता का आईना में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की भूमिका और पूरे किसान आंदोलन में जिस तरह से किसान नेता सभी वेस्ट बंगाल में गए थे, पश्चिम बंगाल में गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में, डायरेक्ट तो नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए वोट करने के लिए कहा था और ममता बनर्जी को पूरा उसका समर्थन मिला और ममता बनर्जी के जीत में किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसे में किसान आंदोलन के जो भूमिका थी कि जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उन्होंने एक तो सबसे पहले ये तीन काले कानूनों का विरोध किया था। ये तीन काले कानूनों का क्यों विरोध किया जा रहा था? तीन काले कानूनों का इसलिए विरोध किया जा रहा था कि अंबानी और अडानी ये पूरे कृषि क्षेत्र में आएंगे और कृषि क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनरी लाएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो किसान मालिक है वो नौकर में तब्दील हो जाएगा। और जिस तरह से ये कानून आने के पहले ही अडानी ने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए थे और पहले से तैयारी चल रही थी और सरकार से जिस तरह से हाथ मिलाया था और जिस तरह से सरकार को फंडिंग की जा रही थी, इस सब के को देखते हुए किसानों ने ये तीन काले कानून का तो विरोध किया ही था, उसके साथ साथ अंबानी और अडानी का भी विरोध किया था। लेकिन हाल ही में मुंबई के एक दौरे पर ममता बनर्जी ने अडानी से मुलाकात की और उन्होंने एक मीटिंग में साफ तौर पे कहा, जहां पर बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, मेधा पाटकर जैसे कार्यकर्ता भी थे, उनके सामने उन्होंने साफ कहा कि अंबानी और अडानी जो है वो बहुत जरूरी है विकास के लिए और उनको हम साथ में ही लेकर चलेंगे। तो अब अगर एक कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट और अगर बड़ी बड़ी कंपनियों का इंटरेस्ट और किसानों का इंटरेस्ट टकराता है तो ममता बनर्जी किसके साथ खड़ी रहेंगी? तो उन्होंने साफ बता दिया कि अब किसानों का तो काम खत्म हो गया क्योंकि उनका उनका हमने इस्तेमाल कर लिया सत्ता के लिए। अब सत्ता में बने रहने के लिए और आगे जाने के लिए हमें अडानी से हाथ मिलाना जरूरी है। तो ये क्या है किसान आंदोलन, इसको कैसे देखता है और क्या किसान आंदोलन अपने आप को ठगा हुआ नहीं महसूस कर रहा है क्या? इस सब के बारे में हम बात करेंगे किसान नेता डॉक्टर सुनीलम से। तो सुनीलम जी, आपका स्वागत है। दीदी जो है वो कल तक आपने दीदी को लेके आया और आपने जिताया और आज जिसके खिलाफ आपका आंदोलन चल रहा था वो उसी के साथ चली गई, तो आप कैसे देखेंगे इसको? तय हमने किया था कि हम भाजपा को हराने के लिए नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चलाने का काम करेंगे, वही कैंपेन हमने किया। तो वही कैंपेन अब हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर करेंगे। हमने किसी व्यक्ति की मदद नहीं की, हमने भाजपा के खिलाफ एक विचार जो है वो बंगाल के अंदर सत्ता में आए, ये प्रयास हम लोगों का था और बंगाल की जनता ने उस विचार को सरसब्ज किया। तो इसलिए हम कोई ममता बनर्जी जो हैं उनके पीछे घूम रहे हैं किसान आंदोलन के तौर पर, अगर किसी की ये गलत फहमी है तो उसको दूर हो जाना चाहिए। हमारा संबंध सीधा सीधा ये था कि बंगाल जो है वो इनके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस आक्रामक तरीके से और जिस एक युद्ध की स्थिति इन्होंने वहां पर बना दी थी और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने का काम इन्होंने वहां पर किया था, हमें लगता था कि हम जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ में इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसके खिलाफ है, इसलिए हमने उसके का विरोध करने का काम किया था। अब अडानी अंबानी के साथ में उनका क्या रिश्ता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अंबानी अडानी के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारी जारी रहने वाली है। आज तक एक आजादी के बाद जो संघर्ष चले उसके अंदर पूंजीपतियों के खिलाफ तो संघर्ष चले, हम लोग ये नारा लगाते थे कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो अब तो ये जागीर जो है वो अडानी अंबानी की हो गई है, तो उसके को चुनौती देने का काम पंजाब ने किया और पूरे देश ने उसके सहमति किया। और आपको तो याद है कि आपके यहाँ पर आपने उसे कवर भी किया था जनता के आईना में, कि जब अंबानी की जो वहां पर बिल्डिंग है 33 माला जो बिल्डिंग है उसके ऊपर प्रदर्शन करने जा रहे थे तो उन्हें वास्ते में रोक दिया गया था। लेकिन तो हम लोगों की तो लाइन एकदम स्पष्ट है, अगर जो है ममता दीदी अपनी लाइन बदलती हैं तो उसकी जवाबदेही उनके ऊपर है, किसानों का इसमें क्या है। आपका आपने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी को हराने की बात की, आपने ये कहा, लेकिन जो
किसानों का मुख्य मुद्दा था और किसानों का रोज संघर्ष जिस तरह से चल रहा है और ये कानून जिस मकसद से आ रहे हैं अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी वजह से ही किसानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे हालत में जिसका आप समर्थन कर रहे हो वही आपके विरोध में जाके खड़ा हो रहा है, तो ये पूरे घटनाक्रम में आपको कहीं नहीं लगता है कि किसान ठगे गए और उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर लाने में मदद की जो उनके दुश्मनों के साथ ही अभी हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं? आपको जो बार बार लग रहा है कि ठगा हुआ महसूस करने की बात, तो हमारा तो मसला सीधा सीधा तीन कानूनों का था, हमारा मसला MSP का था, हमारे मसले जो हैं उन मसलों के ऊपर अभी तक उन्होंने कहीं पर किसी स्तर के ऊपर विरोध करने का काम नहीं किया है। और जो है विरोध अगर वो करेंगे तो जो विरोधियों के साथ जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा निपट रहा है या किसान आंदोलन निपट रहा है उस तरीके से उनसे भी निपटा जाएगा। कोई रिश्तेदारी तो किसानों ने की नहीं है कोई ममता दीदी के साथ में या किसी भी नेता के साथ में। हमने अगर अपने कार्यक्रमों के अंदर जो है अगर किसी भी नेता को मंच पर जगह नहीं दी तो हमने बंगाल के अंदर भी जो पूरा प्रचार प्रसार किया, हमने जो नो वोट टू BJP कैंपेन चलाया तो उसकी तरीके से हमने ममता बनर्जी जो है उनको भी कहीं पर जगह नहीं दी थी, कहीं पर भी उनके साथ में हमने कोई सभाएं करने का काम नहीं किया। तो हमारी एकदम लाइन एकदम स्पष्ट है, उसके अंदर कोई अस्पष्टता नहीं है और उसमें कोई स्तर के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। अब मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि असल में जब कॉरपोरेट की जब आप बात करते हैं तो ये बात लोगों को स्पष्ट रहनी चाहिए कि कॉरपोरेट जो है वो इस देश की राजनीति पर विशेष तौर पर चुनाव की राजनीति पर किस तरीके से हावी है। आखिरकार ये अडानी कैसे बना, अंबानी कैसे बना, तो अंबानी को तो कोई ये नहीं कह सकता कि आज भाजपा ने बना दिया, उसको किसने बनाया, उसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब कांग्रेस पार्टी भी किसान आंदोलन का समर्थन करती है ना, तो हम धन्यवाद देते हैं जो भी 22 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने हमारे AIKCC के दो कानूनों का लिखित तौर पे समर्थन किया, पार्लियामेंट के अंदर समर्थन किया। हमारा जो पूरा भी आंदोलन चला उसका इन सभी पार्टियों ने पार्लियामेंट के अंदर समर्थन करने का काम किया। तो हम ये थोड़ी देखने के लिए गए थे कि कौन अडानी अंबानी के साथ है और कौन किसके साथ है, हमारा इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हमारे मुद्दों के ऊपर हमारे को साथ चाहिए और जब हमें लगेगा कि जो है हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं तो हम उनका भी उसी तरीके से विरोध करेंगे जिस तरीके से किसी भी दूसरे राजनीतिक दल का करते रहे। इससे ये नहीं लगता है आपको कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको समर्थन इसलिए दे रही है कि आपके भी वोट आपकी तरफ उनको चाहिए, लेकिन जब नीति बनाने की बात आती है, जब सरकार चलाने की बात आती है, जब इलेक्शन के लिए फंडिंग की बात आती है और किसको आगे बढ़ाना है उसकी बात आती है तो वो उन्हीं के साथ हो जाते हैं, तो किसान इस तरह से कब तक भटकते रहेंगे? शकील जी, किसान बिल्कुल नहीं भटक रहा है, खड़ा है अपनी जमीन के ऊपर, खड़ा है अपनी ताकत से, खड़ा है अपने विवेक और अपनी ऊर्जा के साथ में खड़ा है। वो ना तो ममता दीदी के ऊपर डिपेंडेंट है और ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा कोई स्टेक उसके अंदर नहीं है। जो अडानी अंबानी के साथ में खड़ा होगा हम उसका विरोध करेंगे और जो है आने वाले समय में ये आपको दिखलाई पड़ जाएगा। मैंने तो स्पष्ट तौर पर आपको हल्दिया पोर्ट का आपको कह दिया है ना, तो क्योंकि हमारी जो लड़ाई है किसानों की उसके अंदर श्रमिक संगठन भी शामिल हैं, तो हम लोग तो जो है अगर हमारे श्रमिकों का अधिकार कहीं पर खत्म होगा, भले ही किसानों का अधिकार खत्म ना हो, तो हम उसके खिलाफ भी हमें खड़े होने का काम हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से स्पष्टता है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व के अंदर जो है प्रयास, वो प्रयास मैं तो ये कहूंगा कि इसको जरा अदर वे राउंड आपको देखना चाहिए। अदर वे राउंड की बात यह है कि अभी तक तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सच्चे सिपाही हैं अडानी और अंबानी जो है मोदी जी के, अब जो है ये अगर कहीं पर आपको ममता बनर्जी के साथ में दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये माना जाए कि भारत का जो पूंजीवाद है या भारत के अंदर जो इस तरीके के कॉर्पोरेट लीडरशिप की तलाश करने का काम कर रहे हैं ये माना जाए? क्या ये माना जाए कि उनका नरेंद्र मोदी के ऊपर जो विश्वास था वो खत्म हो गया है और इसलिए वो किसी अन्य लीडर की तलाश कर रहे हैं? और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है कि वो आपके यहाँ पर बंबई के अंदर भी आई थी, बंबई को इग्नोर करके
देश के अंदर कोई सेंट्रल पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकता है, ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और आपके यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो शरद पवार जी हों चाहे उद्धव ठाकरे, अपनी एक हैसियत है, अपना वजूद है। और अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो एक किस्म का फेडरल फ्रंट बनाना चाहती हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा करना चाहती हैं, तो ये उनका अपनी समझ है और ये करने का उनको पूरी तरीके से अधिकार भी है। लेकिन जब किसानों के इंटरेस्ट में खड़ी होंगी, तो हमने जैसे किसी भी दूसरी पार्टी का विरोध किया है, ऐसे ममता बनर्जी का भी विरोध वैसे ही किया जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम नहीं है कि वो किस स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ रही हैं। उन्हें ये बात का नुकसान जरूर मालूम होगा कि अगर वो जो है अडानी के साथ में अपना फोटो खिंचवा रही हैं, और अगर वो कह रही हैं कि अडानी जो है अब इन्वेस्ट करने का काम करेगा, तो लोग तो उनसे ये सवाल करेंगे ही कि टाटा के इन्वेस्टमेंट को आपने रोकने का काम किया, उसके खिलाफ में नंदीग्राम सिंगूर क्या क्या हो गया, और उसके चलते आप नेता बन गई और आपने सरकार बना ली, और अब आप अडानी को आमंत्रित करने का काम कर रही हैं। तो ये जो उनका कंट्रडिक्शन है, इसका जवाब तो उनको ही देने का काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल या तो उनके समझ में आएगा, और ये समझ करके अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो है। लेकिन हमारे स्टेक्स एकदम साफ हैं, किसान हित से संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और किसी भी नेता के दबाव में संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है। ये बात हम बिल्कुल आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं, और किसी के साथ भी मंच साझा नहीं किया गया है, उसके अंदर ममता बनर्जी भी शामिल है। सुनीलम जी, आपने कहा कि शायद ऐसा हुआ होगा कि अडानी को मोदी को छोड़कर अडानी ममता के साथ जा रहे हैं, कई नया अलायंस बना रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोदी ही ममता के पास अडानी को भेज रहा है और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रूट से भी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको मालूम है कि अगर ऐसा है, हमने जो JJP है, आपको मालूम है दुष्यंत चौटाला का आज भी विरोध हुआ है ना, और लगातार विरोध चल रहा है। तो जो भाजपा है और उसके जो भी एलाइज हैं, हम उनका विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं, और आगे भी हम करने का काम करेंगे। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉक्सी, अगर कोई पॉलिटिक्स करने का काम किया जा रहा है, मुझको ऐसा लगता नहीं है। मुझको इसलिए ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जिस तरीके का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बंगाल के अंदर जो अकलियत है, उसने जो है खुल करके ममता बनर्जी का साथ देने का काम किया है। तो उनके पीठ पर छुरा भोंक करके ममता बनर्जी जो है वो NDA के साथ जाना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता है। लेफ्ट को ममता ने खत्म किया, कांग्रेस को ममता ने खत्म किया, अभी वेस्ट बंगाल से कांग्रेस को खत्म किया, अभी देश से खत्म करने के लिए तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता। जिसको ऐसा लगता हो कि कांग्रेस को बचाना बहुत जरूरी है, वो इसकी चिंता करे। संयुक्त किसान मोर्चे को ये चिंता नहीं है कि कौन पार्टी बचेगी और कौन पार्टी जाएगी। इस देश के अंदर किसान बचेगा, किसानी बचेगी, गांव बचेगा, ये संयुक्त किसान मोर्चे का इंटरेस्ट है, और यही इंटरेस्ट है। इसकी चिंता जो है वो स्वयं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है और इतनी पुरानी उसकी लीडरशिप है कि वो अपने आप को बचाने में और अपने UPA को बचाने के अंदर वो कामयाब रहेंगे। ये राजनीति के अंदर खत्म करने का खेल तो बराबर चलता रहा है। अभी तो आप देख सकते हैं कि अमरेंद्र सिंह किस पार्टी में थे, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, अभी वो कहां पर दिखलाई दे रहे हैं, वो आपको भाजपा के नजदीक दिखलाई पड़ रहे हैं। हेमनंदन बहुगुणा जी जो थे साहब, उनकी जो बेटी थी रीता बहुगुणा, वो कहां थी, कांग्रेस के अध्यक्ष थी, वो कहां पर दिखलाई पड़ रही है, भाजपा में दिखलाई पड़ रही है। ऐसे में मतलब TMC का 40% लीडर जो है वो भाजपा में चला गया था, है ना, और फिर जो है वो फिर वापस आ गया। और जो है मतलब बहुत सारी पार्टियों के लोग जो गए, तो TMC कहाँ से खड़ी हुई है। TMC जो है आज उसके अंदर भाजपा के लोग आए हैं, लेकिन पहले कहाँ के लोग आए थे, पहले कांग्रेस के लोग आए थे। तो ये सब काम जो है चलता रहता है। अगर आज जो है आपको बंगाल में और त्रिपुरा के अंदर जो है आपको अगर लेफ्ट का आधार इतना कम दिख रहा है,
है तो कहीं ना कहीं पर जो रहे होंगे लेफ्ट के, उन्होंने भी पार्टियां बदलने का काम किया होगा। तो जो लोग सत्ता की राजनीति करते हैं वो पार्टियां बदलने का काम लगातार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है कि लोग रोज जो है 1000 नेता लेवल के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। तो वो कौन सी पार्टियों के लोग हैं? वो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। तो जब जो है गौतम अडानी भी, हो सकता है कि ये कुछ मामला बिगड़ने वाला है और अपने को अगर जो है अपनी पूंजी बचा के रखनी है तो किसी और का भी अपने को साथ लेने का काम करना चाहिए, तो वो अपने तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन सुनीलम जी, ममता भी किसानों के साथ नहीं रहेगी, कांग्रेस भी नहीं रहेगी और बीजेपी भी ऐसे ही करेगी सब, तो किसानों की अपनी पार्टी कहाँ है? किसानों को तो यही भटकना है, इसी में भटकना है, और सब अपने रंग दिखाएंगे तो किसान कहाँ जाएंगे? और किसान तो अपनी पार्टी बनाने वाले नहीं है, किसान बनाने वाले पार्टी। शकील जी, किसानों ने ये बता दिया है कि उन्हें राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी महाशक्तिशाली 56 इंच का सीना रखने वाले श्री श्री 108 जो है नरेंद्र मोदी जी को अगर अपने कानून रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया तो राजनीतिक ताकत है ना किसानों की, तो क्या जरूरी है पार्टी बनाना? अपनी ताकत के हिसाब से करेंगे और अब लोगों से किसानों के हित में अपना काम कराते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आपके जो जनता का आईना के जो दर्शक हैं उनको भी बियॉन्ड पार्टी लाइन सोचने का काम उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है आप देख रहे हैं कि अमित शाह जो है वो क्या भाषण कर रहे हैं। अमित शाह जो है वो एकेडमी में जाते हैं हैदराबाद में और वहां पर क्या भाषण करते हैं, वो तो जो है सिविल सोसाइटी को सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि इस समय खतरा विपक्ष, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, उनको लगता है कि सिविल सोसाइटी खतरा है, मतलब आंदोलनकारी जो जमात है जिसको मोदी जी ने आंदोलनजीवी कहा था वो लोग खतरा है सबसे बड़ा देश के। तो हम तो उस खतरे को जिंदा रखना चाहते हैं और उस खतरे को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। तो इसलिए जो मतलब जिस तरीके की चिंता आपको है उस तरीके की चिंता किसानों को नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो सोच है वो सोच, जो डेवलपमेंट का सोच है वो किसान, किसानी और गांव को खत्म करने वाला सोच है। और इसीलिए किसान संगठनों की जरूरत है, इसीलिए किसान आंदोलन की जरूरत है, और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सत्ता के बाहर रहती हैं तो एक भाषा बोलती हैं, सत्ता में आती हैं तो दूसरा काम करती हैं। ये अनुभव तो पूरा 74 साल का है, तो इसी के बीच में हम लोग जिंदा हैं और हम लोग आगे जिंदा रहने वाले हैं, किसी की दया पर नहीं, अपनी दम पर, अपनी एकजुटता के दम पर और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। लेकिन ये है कि जिस तरह से आंदोलन किया है किसानों ने, वैसे ही किसान वोट भी देने जाने वाले हैं और उनको वो भी फैसला लेना पड़ेगा। इससे ये आंदोलन दूर नहीं रह सकता है क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।